हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये टॉप गर्ल्स का जो मैंने आपको अभी बताया था कुछ दिन पहले, इसका मैंने ये देखिए, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट और ये दोनों, ये देखिए दोनों स्लीव मैंने इस तरीके से बना लिया है। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों स्लीव मैंने बना लिया है। मैंने इसमें कहीं भी कोई भी फंदा नहीं घटाया है, ना स्लीव में और ना ही फ्रंट या बैक में। ये देखिए सब पल्लों में इस तरीके से ऊन ये लगा हुआ है, सब जगह ऊन लगा हुआ है। अब इसके ऊपर की बिनाई हम सबको मिला के एक साथ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है आगे। अब ये देखिए, ये पीछे के पल्ले में जो ऊन लगा हुआ है, मैं स्टार्ट पीछे के पल्ले से करूँगी, क्योंकि इसमें जब हम राउंड बनाएंगे तो हमारा गला भी साथ में बनेगा, तो ये हमारा पीछे की तरफ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। अब इसको एक साथ बनाने के लिए ये देखिए, मैंने ये गले वाली सिलाई ली है, ये चार के पैर में आती है, ये मेरे पास दो पैर का ये आठ सिलाई है, जितना इसमें लगे। अगर आपके पास राउंड सिलाई है 9 नंबर की तो आप उससे बना सकती हैं। मैं इस गले वाली सिलाई से बनाऊंगी, क्योंकि राउंड राउंड हमें बिनना है तो हमको फिर ये इस तरह की सिलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अब इस सिलाई से बिनना शुरू करेंगे। इसमें बनाने के लिए आपको जितनी भी सिलाई आपकी लगे आप उस हिसाब से इसको बना सकती हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ से बिनना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले देखिए, इसमें अब हम यहाँ से आस्तीन में पल्ले में दोनों तरफ से हम फंदे को घटाएंगे, ताकि हमारा फिर ये ऊपर का पल्ला एक बराबर बने और गले तक हमारा फंदा घटता चला जाए। तो यहाँ देखिए, ये पहला फंदा मैंने उतार लिया है अभी। अब देखिए, आप चाहें तो दो फंदा या तीन फंदा, तो ये देखिए, ये इस तरीके से, ये देखिए दो फंदा है, पहला फंदा छोड़ के लास्ट उसके बाद का जो दो फंदा है उसमें से ये इस तरीके से इसको लेके, और ये पहला फंदा, इस दोनों को हम ये एक साथ बिन देंगे इस तरीके से। अगर आपको किनारे बिनने में दिक्कत लगे तो आप ये देखिए इस तरीके से, ये पहला फंदा, क्योंकि अब हमको राउंड बिनना है तो ये हमको राउंड बिनना है, तो पहला फंदा भी अब हम बीनेंगे, हम इसको बिन लेंगे इस तरीके से। इसको थोड़ा टाइट रखिए। अब देखिए, इन दोनों को आप कर सकती, ये जो तीन फंदा है पहले फंदे के बाद जो तीन फंदा है इसको आप उतारिए इस तरीके से, ये दो फंदा आप पीछे वाली सिलाई पर चढ़ा लीजिए और जो तीसरा फंदा है वो आगे वाली सिलाई पर इस तरीके से आप चढ़ा लीजिए, ऐसे उल्टा करके। अब इन दोनों फंदों को हम एक साथ, ये देखिए ये थोड़ा टाइट हो जाता है, इन दोनों फंदों को, ये वाला और ये वाला, इन दो फंदों को हम दो का एक कर देंगे। इसको ये थोड़ा टाइट है तो इसको पहली सिलाई में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने फंदे को पलटा है। ये देखिए, ये दो फंदा है, दो फंदे को हम पीछे इस तरीके से ऐसे बिन देंगे। यहाँ पे गला कई तरीके से घटता है, मैं इस तरीके से घटा रही हूँ। अगर आपको ये दिक्कत लगे, इस तरह से दिक्कत लगे, तो आप मत पलटिए इन फंदों को। देखिए, इन तीनों फंदों को ऐसे मत पलटिए, आप पहला फंदा बिन लीजिए और इन दो फंदों को दो का एक इस तरीके से कर दीजिए, जैसा आपको ईजी लगे। अब पूरा हम उसी तरीके से बिन जाएंगे, बीच में हम सिलाई चेंज करते रहेंगे, क्योंकि ये सारा फंदा हमारा 100 फंदा है, तो ये 100 फंदा हमारे इस सिलाई पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम पूरा बिनेंगे, पूरा पल्ला, और फिर लास्ट के फंदे में हम इसको फिर घटाएंगे। तो देखिए, पहले हम इसको पूरा बिन लेते, ये हमारा बैक है तो इसको हम पूरा बिन लेते हैं, फिर हम थोड़ा बिनने के बाद, लगभग हाफ बिनने के बाद हम इसमें दूसरी सिलाई लगा लेंगे और फिर लास्ट में हम फंदा घटाएंगे। देखिए इस तरीके से, आप चाहें तो यहाँ पलट के जैसे हम लोग केबल बनाते हैं उस तरह से घटाइए, या सबसे आसान तरीका है कि आप इस तरीके से घटाइए, जैसा आपको इजी लगे।
ये देखिए मैंने ये हाफ हाफ ऐसे लगभग इस तरीके से कर लिया है कि हमारा फंदा ना गिरे। मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। अब इस तरफ का फंदा उधर से हम लोगों ने सीधा बिना था, अब इधर का पहला ये जो तीसरा फंदा है इसको इस तरह से पलट के फिर हम इसको ऐसे दो का एक पीछे की तरफ कर देंगे और फिर ये एक फंदा लास्ट वाला। अब इसको इसमें अब हम ये एक आस्तीन जोड़ेंगे, पीछे का पल्ला अब एक आस्तीन। अब आस्तीन में भी ये ऊन यहाँ पे ऐसे टाइट पकड़े रहिए। फिर पहला फंदा बिन लिया, अब इन दो फंदों को आप दो का एक ऐसे सीधे बिन दीजिए इस तरीके से। ये इस वाले को थोड़ा टाइट कर दीजिए। अब इसी तरीके से राउंड में हम पूरा बिनते जाएंगे और ये सिलाई चेंज करते जाएंगे दोनों तरफ। देखिए इधर और इधर एक एक फंदा रहने पे, इधर एक फंदा बिन के दो का एक, इधर एक फंदा रहने पे पहले दो का एक, इस तरीके से हम इसको राउंड में बिनेंगे। ये देखिए आते आते मैंने ये पूरा पहले बैक, फिर एक स्लीव, फिर फ्रंट और एक स्लीव इसी तरीके से मैंने इसमें जोड़ लिया है। मैं फिर लास्ट में आ गई हूँ। तो लास्ट वाला जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, स्टार्टिंग में सीधे घटाना है और इस तरीके में ऐसे पीछे से ये करके ये लास्ट का फंदा मैंने बिन लिया। अब ये गले वाली सिलाई मैंने इसीलिए लगाया है कि हम इसको राउंड राउंड बिनेंगे। तो अब देखिए ये अभी हमारी इतनी सारी सिलाइयाँ यहाँ लग गई हैं और इसको हम फिर ये यहाँ से अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर यहाँ पे देखिए पहला फंदा हम इस तरीके से बिन लेंगे और फिर दूसरे में दूसरा और तीसरा फंदा इस तरीके से, ये देखिए ये दोनों फंदों को इस तरीके से लेके ऐसे इजी वे में इस तरह से आप घटा दीजिए। फिर पूरा हम ऐसे ही राउंड राउंड बिनते जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि हमने बैक से शुरू किया है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई है। तो यहाँ से मैं लगभग 30 सिलाई बनाऊंगी। मेरे फ्रंट और बैक में 100 फंदे हैं और स्लीव में मेरे 80 फंदे हैं। तो इस तरीके से मैं इसको अभी चारों तरफ से बिनते हुए घटाती जाऊंगी लगभग 30 सिलाई। 30 सिलाई के बाद फिर हम इसका गला बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बस आप इसको ऐसे राउंड राउंड जोड़ते जाना है और यही यहाँ पे पल्ले के यहाँ स्टार्ट में और ये एंड में हमको ये फंदे घटाते जाना है, दो दो फंदे। तो इस तरीके से हमारा हर राउंड में 8 फंदा घटेगा। तो 8 फंदा हमारा हर राउंड में घटते घटते फिर हम 30 सिलाई बिनने के बाद अपना लंबाई देख के फिर गला बनाएंगे। देखिए सिंपल एक नॉर्मल टेक्निक इस तरीके से है, और भी कई तरीके से ये घटाया जाता है लेकिन मैं फ़िलहाल जो बिगिनर्स होते हैं उनके हिसाब से ये नॉर्मल वाला घटाना बता रही हूँ। तो अब हम इसको इसी तरीके से राउंड बिनते जाएंगे। जब हमारा फंदा कम हो जाएगा तो हम अपनी सिलाइयाँ भी कम करते जाएंगे। अभी मैंने इतनी सारी सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, मेरी लगभग देखिए 6 सिलाई लग गई है और ये 2 सिलाई मेरी बची हुई है। तो इस तरीके से हम थोड़ा कम कम फंदा ही रखते हैं ताकि हमारे फंदे किनारों से गिरे नहीं। अगर आपको लगे कि फंदा गिरेगा तो आप ये दोनों सिलाई भी इसमें लगा सकती हैं। तो इस तरीके से अब हम इसको बना लेंगे। देखिए पीछे का सादा है, स्लीव में मेरी ये डिजाइन जो जा रही है ये मेरी लास्ट तक जाएगी और फ्रंट की भी डिजाइन मेरी लास्ट तक जाएगी, गले तक, जहाँ तक हम लोग गला नहीं बनाएंगे वहाँ तक मेरी ये डिजाइन जाएगी और बैक मेरा प्लेन है। तो इसी तरीके से हम इसको राउंड राउंड बना लेंगे इस तरीके से। लगभग 30 सिलाई हम इसको बिन लेंगे। देखिए दोस्तों इसको बनाने में, कई सिलाइयाँ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है लेकिन देखिए फिर ये गला इस तरीके से, सॉरी ये आस्तीन इस तरीके से ये घट के आता है। देखिए इस तरीके से इसको बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अब हम ये राउंड राउंड बिनते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आप पिन लगा लीजिए, तो आपको जो ये उल्टा उल्टा है यहाँ से इस तरीके से गिनने में आपको आसानी होगी। एक चीज़ इसमें और ख्याल करना है, जो हम लोग सीधा उल्टा बिनते थे तो किसी भी डिजाइन के लिए हमको ये पता रहता था कि हमने कितनी सिलाई बीनी। अब आपको ये राउंड राउंड में इस बीच वाले केबल के लिए ध्यान देना होगा कि ये केबल हमको जब हम 6 सिलाई 8 सिलाई 10 सिलाई जितना भी कर रहे हैं तो
जब हम लोग अलग अलग बनाते थे तो ये सीधा उल्टा हमको पता चलता था, लेकिन अब ये हम राउंड राउंड बना रहे हैं तो इसको हमें उस हिसाब से गिनना पड़ेगा। ये बीच वाली डिजाइन देखिए, ये जो बीच वाली डिजाइन है ये हम लोग सीधी सिलाई में बनाते थे, उल्टी तरफ से पूरा उल्टा बीनते थे। अब इसको यहाँ पे बनाने के लिए हमको एक बार हम ये डिजाइन डालेंगे एक राउंड में, जब हम दूसरा राउंड घूम के आएंगे तो हम इसको सादा बीनेंगे, तब हमारी ये डिजाइन ये सेट होगी, नहीं तो फिर इसको बनाने में दिक्कत होगी। जैसे अब इस बार हमने ये डिजाइन मैंने ये डाला है, तो अगली बार जब मैं आऊँगी यहाँ से यहाँ तक तो ये बीच का जो मेरा बीस फंदा था इसको मैं प्लेन बनाऊँगी। इसी तरीके से ये बनाते हुए मैं लगभग 30 सिलाई बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं ये गला बनाऊँगी। तो देखिए ये इस तरीके से इसका रैगनल आता है, रैगनल कई तरह से घटता है, अलग अलग पल्लों में भी घटता है, बाद में उसको सुई से सिला जाता है। ये मैं राउंड में बना रही हूँ तो देखिए इसका लुक इस तरीके से आता है, ये घट के ऐसे इस तरीके से, जबकि देखिए यहाँ घट रहा है यहाँ घट रहा है, बीच में ये दो फंदा हमारा सादा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से रैगनल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखिए जैसा कि ये फंदा खुल गया है, इसको बनाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि एक बार में ही पूरा बना लीजिए। ये इतना मैं बनाने के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसका गला हम कैसे बनाएंगे और इसकी सिलाई हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसके आगे का पार्ट आपको अगले वीडियो में बताऊँगी। धन्यवाद।